वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में एक और आईनी ओहदे का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा मांगा गया। पीपल्स पार्टी इससे कबल सदर स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदे की भी डिमांड कर चुकी है। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान के लिए नू ली की नंबर गेम पूरी। नू ली का नंबर ग्राफ 190 तक होने का दावा। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद 153 जनरल सीटें हो गईं। ख़वातीन और अकलियतों को 37 नशस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान की सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत है। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत का एक और बार, गैस की कीमतों में मजीद 65% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मकामी गैस की फी MMBTU कीमत में 100 रुपये से 900 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फीन कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ECC के बाद हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सर जी बंद हुई हुई है तो बिल तो काफी ज्यादा आ गया, 5400 रुपये आ गया। बिल जो ने इंतहा ज्यादा आ रहे ने, खासकर जरा सुई गैस का बिल है, बहुत ज्यादा बिल आया, 14000 रुपये बिल है। गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही ना, वो थोड़ी थोड़ी आती है, बिल बहुत ज्यादा। सेल्स टैक्स का हथियार भी, मजीद तेजी से चलाने का प्रोग्राम। आवाम की पहुंच से दूर गाड़ियां मजीद महंगी हो जाएंगी। मकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर 25% टैक्स लगेगा। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। आवाम माचिस से लेकर हर महंगी चीज पर सेल्स टैक्स दे रहे हैं। सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे से महंगाई का तूफान मजीद बेकाबू होने का इम्कान। और लाहौरियों के लिए बुरी खबर, ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के किरायों में इजाफा कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के किराए में 5 रुपये इजाफा किया गया है।